जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए 19 नवंबर 2020 का करंट अफेयर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है इसमें, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सभी लोग भी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार है, क्या है देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है यह बताना है आपके लिए। चार विकल्प भी दिए गए हैं और आज का अपना यह फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर एक, आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर एक में क्या है, क्रिस गोपाल कृष्णन, यह आपका राइट आंसर होगा। क्रिस गोपाल कृष्णन जी आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर एक। देखिए यहाँ पर क्या है, इन्फोसिस के सह संस्थापक एवं पूर्व सह चेयरमैन सेनापति गोपाल कृष्णन को भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। केंद्रीय बैंक ने अगस्त में रिजर्व बैंक नवोन्मेषण केंद्र की स्थापना की घोषणा की थी। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य इस केंद्र के जरिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर वित्तीय क्षेत्र में नवोन्मेषण में को प्रोत्साहन देना और तेजी से नव परिवर्तन के लिए वातावरण का सृजन करना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अपना, देखिए क्या है, अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में ए प्रोमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया है। तो किसने यह विमोचन किया है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो क्वेश्चन नंबर दो है अपने यहाँ पर, और दो का जो राइट आंसर होगा वह है विकल्प नंबर आपका सी, यहाँ पर राइट आंसर है बराक ओबामा आपका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब ए प्रोमिस्ड लैंड में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की है। आपको बता दें बराक ओबामा वर्ष 2009 से 2017 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। उनके पहले कार्यकाल में भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में UPA सत्ता में थी और ये प्रोमिस्ड लैंड में उन्होंने उन पलों का भी जिक्र किया है जो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ बिताए हैं। उन्होंने इसमें अपनी एक शालीन छवि की भी तारीफ की है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट के गठन का फैसला किया है। तो किस राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है, क्वेश्चन नंबर तीन है, चार विकल्प हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक चैलेंज प्रश्न दिया जाता है आखिरी में जिसका कमेंट में आपको आंसर लिखना होता है। जो भी विस्तृत कमेंट लिखता है उसका अगले वीडियो में शामिल किया जाता है कमेंट। और आज इसका जो राइट आंसर है वह मध्य प्रदेश, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है। इस कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर 2020 को गोपाष्टमी पर जो दोपहर 12 बजे राज्य के आगर मालवा में बनाए गए गो अभ्यारण्य में आयोजित की जाएगी। और गो कैबिनेट में 6 विभागों को शामिल किया गया है। गांवों के संरक्षण को लेकर सभी विभाग सामूहिक रूप से इसका फैसला लेंगे। पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गो कैबिनेट में शामिल होंगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर चार है अपने यहाँ पर कि फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को COVID-19 के कारण स्थगित कर दिया है। नेपाल, चीन, रूस, भारत। क्वेश्चन नंबर चार है अपने यहाँ पर और चार का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि भारत। भारत आपके यहाँ पर राइट आंसर है। फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने COVID-19 महामारी के चलते भारत में खेले जाने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया है। कोरोना वायरस के कारण इस टूर्नामेंट को 2021 के लिए स्थगित किया गया था। यह फैसला फीफा परिषद के उस ब्यूरो द्वारा लिया गया है जिसने मौजूदा COVID-19 महामारी के वैश्विक फुटबॉल पर पड़ रहे असर का आकलन किया है। भारत अब 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप और कोस्टा रिका 2022 अंडर 20
महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, यहाँ पर क्या है देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है और 4 विकल्प भी दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का वह है विकल्प नंबर 1, यानी कि 1 साल। 1 साल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। वे इस साल 18 नवंबर को रिटायर होने वाले थे। संजय कुमार मिश्रा 1984 बैच के आयकर कैडर में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें 19 नवंबर 2018 को ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया था। उन्होंने आईपीएस ऑफिसर करनाल सिंह के रिटायर होने के बाद इस पद का कार्यभार संभाला था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 अपने, यहाँ पर क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 4 विकल्प हैं, 5 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन किए जाने के कारण 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना नियमों को नहीं मानने पर लगता है, इससे ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ता है, उनके लिए बैंकों की सर्विस सामान्य रहती है। और पंजाब नेशनल बैंक 2000 अप्रैल 2010 से भारत के बैंकिंग नियामक रूप से अनुमोदन अथवा बिना प्राधिकरण मंजूरी के डक पीएनबी बैंक लिमिटेड भूटान के साथ एक द्विपक्षीय एटीएम शेयरिंग व्यवस्था का संचालन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है क्या है, पुडुचेरी को पूर्व उपराज्यपाल और किस राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रावती का जो है 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो हरियाणा, गुजरात, बिहार या राजस्थान। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 1, यानी कि हरियाणा। हरियाणा आपका राइट आंसर है। देखिए, पांडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और हरियाणा की पहली महिला सांसद चंद्रावती का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और यहाँ पर देखिए, हरियाणा के भिवानी के दलवास गांव में जन्मी चंद्रावती हरियाणा की पहली महिला सांसद, हरियाणा की पहली महिला मंत्री और हरियाणा की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष थी। और क्या है, चंद्रवती सर्वप्रथम वर्ष 1954 में अविभाजित पंजाब के बधरा से विधायक बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है। 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 1 मिलियन या 7 मिलियन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है। इस फंड की घोषणा 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी, जिसे हाल ही में वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया है। भारत के आसियान कनेक्टिविटी का समर्थन करने के लिए 1 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट के अपने पहले के प्रस्ताव की भी पुष्टि की है। यह आपका जो है चैलेंज प्रश्न है पिछले वीडियो का, क्या है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है। तो इसका राइट आंसर था ही, भारत की मुख्य भूमि का दो जो दक्षिणी नोक है वह है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट विकल्प नंबर 1 आपके यहाँ पर राइट आंसर है। और यहाँ पर अनिल जी ने जो है कमेंट किया है, क्या किया है,
देखिए इन्होंने लिखा है विकल्प नंबर एक। देखिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। उत्तरी बिंदु अगर आपसे पूछा जाए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, और सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु इन्होंने लिखा है कि किबूथी किबूथू किबूथू, और सबसे पश्चिमी बिंदु जो कक्ष में सर क्रीक गहरमोती के पास है, और मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी के पास केप कोमो रेन है। यह कमेंट किया है किसने? किया है अनिल जी ने। तो इस प्रकार आज का आपका चैलेंज प्रश्न इस प्रकार है। आप भी इसी प्रकार अगर आप कमेंट में विस्तृत लिखेंगे तो आपका भी कमेंट अगले वीडियो में शामिल किया जाएगा। आज का चैलेंज प्रश्न है कि पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पेरियार जल विद्युत परियोजना बताना है, यह किस राज्य में है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। इस प्रकार चार विकल्प हैं, तो सभी लोग आंसर बताएंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो वह चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।